ने ये चेतावनी दी है कि भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में चीन रुकावट डालने की कोशिश कर सकता है। चीन ने ऐसा ही कुछ जनवरी में हुए ताइवान के चुनाव में भी किया था। माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम ने बताया कि चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भारत के सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट उतारने जा रहा है जिसके जरिए वो भारत के वोटरों को पॉलिटिकल पार्टीज के प्रति अपना भाव बदलने और दूसरी पार्टी के प्रति आकर्षित करने या उनको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। वो सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट पोस्ट कर सकता है जिसके जरिए भारत के मतदाता अपना झुकाव चीन के पक्ष में रखने लगे। आपको बता दें कि चीन का उसके अगल बगल के सभी देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है, यानी कि जिस भी देश में इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो चाइना उसमें संलिप्त पाया जाता है। आपको बता दें कि चीन भारत में भी सीमा विवाद के चलते इस तरह की काम कर सकता है। चाइना की छवि भारत में पहले से अच्छी नहीं है जिसके लिए चीन सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी छवि बदलने की कोशिश करेगा। थ्रेट इंटेलिजेंस टीम के मुताबिक चीन समर्थित साइबर ग्रुप्स नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर 2024 में होने वाले कई देशों के चुनाव को निशाना बनाने वाले हैं। आपको बता दें कि चीन यही हथकंडा अपनाने की कोशिश अमेरिका के चुनाव में भी कर रहा है। आपको बता दें कि 7 चरणों में भारत की 543 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है, जिससे पहले इस तरह की खबरें आना चिंता का विषय है। ये मतदान 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक चलेगा जिसके नतीजे 4 जून को आएंगे। आपको बता दें कि साल 2024 दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण साल साबित होने जा रहा है। 2024 में दुनिया के 63 देशों में चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें दुनिया की पूरी आबादी का 49% हिस्सा इसमें मतदान करने जा रहा है। इस तरह चाइना जैसे बड़े देश के द्वारा इस तरह की रणनीतियां बनाना स्वयं में लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर हमला जान पड़ता है। चीन की इस तरह की गतिविधि वो भी चुनाव के पहले चौंकाने वाली है। अगर चीन इस तरह करता है तो ये संबंधित देश चीन के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। चाइना ये काम जिन देशों के साथ कर रहा है, क्या वो देश चाइना के साथ व्यापार या अन्य समझौतों को लेकर कोई एक्शन लेंगे? क्या ये देश चाइना के द्वारा किए जा रहे व्यापार पर एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी कि अतिरिक्त कर लगाएंगे या फिर ये केवल एक शगुफा ही रह जाएगा? कैमरामैन अविनाश के साथ अंशुमान, लखनऊ।